रूट थ्री प्लस रूट टू से अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 18 कितना अधिक है, यह जो है जा करके आपका जो है घात करनी घातांक से है आपका सवाल ये। इसके लिए क्या करना है, इसमें इसको घटाना है, तो हम पहले इसको लेते हैं, 12 को तोड़ते हैं, यानी 4 3 12, 18 को तोड़ते हैं, 3 3 9 2 18, ठीक है। इसको लिखेंगे तो 2 को 2 में से 1 2 को निकालेंगे और रूट 3 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 2 को 3 में से 1 को 3 को निकालेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। अब इसमें इस वाले को घटा देंगे तो लिख लेते हैं, टू रूट 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस करना है हमको, रूट 3 प्लस रूट 2, देखिए क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 है या प्लस 3 रूट 2 है, इसमें घटा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा, तो 2 को रूट 3 है या 1 को रूट 3 घट गया, क्या बचेगा आपका, रूट 3 बचेगा, यानी 3 को रूट 2 है उसमें 1 को रूट 2 घट गया, कितना बचेगा, 2 रूट 2 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। देखिए सेकंड नंबर आपका यहाँ 5 को देखना है हमें, देखो जैसे इस टाइप का जब भी मिले देखने के लिए, जैसे 5 है प्लस 2 रूट 6 है, इसको हर समय हम दो फार्मूला पे तोड़ेंगे, चाहे तो ए प्लस बी पर होल स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ेंगे, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या नहीं तो हम इसको ए माइनस बी पर होल स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ेंगे, जिसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तब हम देखते हैं कि हमको 5 भी पुराना है और 6 भी पुराना, तो 2 रूट 6 कैसे पूरा होगा, 6 को तोड़ेंगे, अगर हम यहाँ 2 रूट 6 लिखें, जैसे कि हमको लाना है इसको 2ab में, तो 2 तो 2 हो गया, अब इसको ab में तोड़ना है तो क्या हो जाएगा, रूट 3 और रूट 2, तभी टूटेगा ab में टूटेगा, जब ab में टूटेगा तब इसको लिख सकते हैं रूट 3 पर अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर हम रूट 3 प्लस रूट 2 पर स्क्वायर कर दें, इसको ई वाला फार्मूला पर तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब रूट 3 पे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 पे स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह रूट 3 और बी के जगह रूट 2, क्या हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 × 6 मतलब जुट के क्या आ गया, 5 2 रूट 6, इसका मतलब हम समझ गए, चाहे ऐसे लिखें या ना तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो जब हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो जैसे सवाल है हमारा सवाल है आपका, अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6, इसके बाद माइनस 1/2 अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6, तो आप जानते हैं इसका क्या निकलेगा, इसका इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा या क्या, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह भी हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका एक निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसका निकलेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, परमेकरण करेंगे तो माइनस से इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस रूट 2, और यह हो जाएगा आपका माइनस रूट 3 माइनस रूट 2, और ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला चल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला चल जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, देख रहे हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो हो जाएगा क्या आपका रूट 3 पे स्क्वायर माइनस रूट 2 पे स्क्वायर, ये तो माइनस के कारण चेंज हो जाएगा, हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा माइनस रूट 3 प्लस रूट 2, माइनस प्लस कट गया हो जाएगा 2 रूट 2, इसका आंसर क्या हो गया आपका 2 रूट 2। अब पहले वाले का आंसर आपका क्या हो गया, अंडर रूट 3 प्लस 2,